राजधानी के वार्ड 34 से भाजपा प्रत्याशी दीपक शर्मा के चुनाव कार्यालय का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। उनके चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब संगठन ने बूथ स्तर के अलावा मोहल्ले मोहल्ले में प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे चुनावी कैंपेन में भाजपा को आसानी हो सके और जनता से सीधा संवाद भी हो सके। आज हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी यहाँ पर आए थे। पूर्व विधायक आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, जो हमारा इस पूरे मध्य विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, वो आज इस कार्यालय में इस उद्घाटन करने आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। मंडल अध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में थे। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी में दीपक शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमने हमारे संगठन की जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से मंडल अध्यक्ष जी से हमने आग्रह किया है कि मंडल अध्यक्ष जी आप तय करेंगे जो भी इस कार्यक्रम की और इस चुनाव की योजना होंगी, वो मंडल अध्यक्ष जी तय करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। दीपक शर्मा के नेतृत्व में चुनाव नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का जो ढांचा है उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे और सीना ठोक के लड़ेंगे और कमल के फूल को प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएंगे। देखिए, ये तो हमारा मूल मंत्र है, हम लोग बूथ तक काम खड़ा करते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा है कि जो मोहल्लेदार पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा भी जो मोहल्ले में अपना नेतृत्व रखते हैं सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, उनको भी जवाबदारी तय करें। उनकी मूल मंशा यह है कि आप ये मोहल्ला देखेंगे इस क्षेत्र में, ये हमारा वह है, वरिष्ठ नेताओं ने जो आदेश दिया उसको हम लोग पालन करेंगे। जोरदार जनसंपर्क होगा और वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि हमारे पास समय की कमी है, कम समय में हमको ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हमारे टिकट अलाउंसिंग में भी हमारा काफ़ी समय आखिरी मोमेंट पे टिकट अलाउंस हुए हैं, तो हम लोग दोनों टाइम जनसंपर्क करेंगे और हर घर पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हमारी महिला टीम, हमारी युवा टीम, प्रबुद्धजनों की बैठक भी हम लोग करने वाले हैं और इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारे वरिष्ठ नेता ध्रुव नारायण सिंह जी ने ये कहा कि आप बूथों की बैठक शुरू करें, आज से ही हम बूथों की बैठक शुरू करने वाले हैं।